पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को वेलफेयर सोसाइटी ने करुणा के रूप में मनाया। IIEC वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश करुणा सप्ताह के रूप में मनाया गया। सोसाइटी के सदस्यों और सहयोगकर्ताओं ने पूरे सप्ताह भर पैगंबर की शिक्षा के अनुरूप करुणा के कई अनेक काम किए। पिछले 7 दिनों से सोसाइटी ने बस्ती और सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चों को चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, वेफर आदि तकसीम किए, जो कुष्ठ रोगी बस्ती में राशन और फल वितरण भी किया गया। सफाई कर्मचारियों का करीब 15 मोहल्लों में जाकर सम्मान किया गया। दिहाड़ी मजदूरों और उनके बच्चों को चप्पल, सैंडल वितरण किए गए। जूते चप्पल सुधारकों को आरामदायक कुशन भी भेंट किए गए। गरीब और विकलांग लोगों को राशन वितरण किया गया। खासतौर पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर विक्षिप्त और वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों और विक्षिप्त लोगों को IIEC वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा राशन सामग्री, स्वेटर, चप्पल, फल, बर्तन आदि का वितरण किया गया। सोसाइटी अध्यक्ष मुजफ्फर मंसूर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि आम जन से अपील की गई है कि पैगंबर साहब की शिक्षा के अनुरूप दया और करुणा के काम और दान पुण्य का काम करते रहें। यही पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा का सही अनुसरण है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने और चर्चा की है। जी, IIEC वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो प्रोग्राम हमारा 7 दिन तक चला, उसमें हमने सभी जनों को, किसी को राशन वगैरह, किसी को स्वेटर्स वगैरह, सैंडल्स, चप्पल वगैरह वितरित किए। और कल जैसे खास महिलाओं के लिए रखा गया था, उसमें हमने जो चप्पल जूते सुधारते हैं उनके लिए कुछ आरामदायक कुशन वितरित किए। आज का प्रोग्राम यही विक्षिप्त महिला और वृद्धाश्रम में आकर हमने इनको स्वेटर्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह वितरित किए। आगे यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस काम को भी हम आगे कंटिन्यू करते रहे और हमारे साथ जो हमारे बच्चे हैं ये भी यही शिक्षा लें और इसी के इस पे चलते रहें। जी, हमने मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जन्म दिवस को करुणा सप्ताह के रूप में मनाने का पूरी सोसाइटी ने, IIEC वेलफेयर सोसाइटी ने संकल्प लिया था कि 7 ही दिन तक कुछ दया और करुणा के काम हम करेंगे। और 7 ही दिन तक हम दया और करुणा के काम करते रहे, जिसके अंदर रोड पर रहने गरीब वाले बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट वगैरह वितरण किया। इसके अलावा कोड़ी बस्ती के अंदर राशन वगैरह वितरण किया। इसके अलावा सफाई कर्मियों का सम्मान किया और इसी तरह कंटिन्यू 7 ही दिन करते रहे। और आज जो हमने यहाँ पर विक्षिप्त आश्रम और ये वृद्ध आश्रम के अंदर हमने आकर यहाँ पर कुछ राशन, फल, स्वेटर और चप्पल वगैरह यहाँ पर वितरण किया, क्योंकि असल जो काम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए करुणा और दया का सागर बनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो और उनको आराम पहुँचाओ। और उन्होंने, जब उनसे पूछा गया, किसी ने पूछा उनके अनुयायी ने कि बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को खाना खिलाओ। तो उसी की हमको, तो उनकी जो तालुमात थी, उनकी जो शिक्षा थी, उनका अनुसरण करते हुए हमने 7 ही दिन उनके बताए हुए शिक्षा को पूरा करते हुए ये सारे काम किए। और आज उसी कड़ी के अंदर ये काम भी हमने किया, यहाँ पर इन लोगों को आकर राशन वगैरह और स्वेटर वगैरह यहाँ पर आकर वितरण किया गया।